अच्छा भैया आज बड़ी खुशी की बात है, बड़े ही सौभाग्य की बात है। सबसे पहले धरती को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, सलाम करते हुए जितने हमारे चाचा दादा भैया बाबू लोग बैठे हैं सबके एक स्वर में प्रणाम बा, स्वागत बा, अभिनंदन बा। जहाँ तक हमारा आवाज पहुँचता है भैया सबके स्वागत बा, अभिनंदन बा, प्रणाम बा। मताए बहन लोगन की स्वागत बा। और साथी कलाकार मंच पे विराजमान विराज जगत के बड़े ही सुंदर गाय कलाकार सुंदर है भी अंकुर चना वाले त्रिभुवन नाथ यादव जी पूरी पार्टी के नमन बा, स्वागत बा, अभिनंदन बा। बड़ी सुंदर गीत सुने की मिला माई की वंदना, बाबू की वंदना, साथ में लोग गीत मार साहब आई। कोई भी इंसान भी शुभ कार्य शुरू करता है छुकी आई है हो, अम्मा हरन के काजे छुकी आई है बड़ी झगड़ा भाई है। आज चाहे वो गवैया हो, चाहे बजवैया हो, चाहे पढ़वैया हो, चाहे लिखवैया हो, चाहे चढ़वैया हो, चाहे लटवैया हो, चढ़वैया का मतलब गाड़ी का ड्राइवर। जब स्टेयरिंग पे चढ़ा थे तो सब अपन अपन देवी देवता के मनावत थी, क्यों दुर्गा माई के, क्यों बजरंग बली के, क्यों महाकाल के, क्यों बबुआ को पूजा बनावत भाई। अच्छा वो अपने जुगाड़ तो मेरा रुक चाय वाले को पूजा लोगन कहती है माई, अरे बा हे माई जैसे चढ़ाता नहीं उसे चार छह महीना बाद उतरी काम हो जाए तो भाई भाड़ा पे भाड़ा लग जाए तो समय इतना देरी लग सका था और लग सका था। स्वर साधक लोग स्वर की देवी माँ सरस्वती की पूजा पाठ विनती इबादत करते मार साहब दो लाइन माइक वंदना बा
बार विनती इबादत करे से पहले कोनो जरूरी नहीं बा कि भोजपुरी फिल्म तोर जगावे चाहिए ऊंची पर्वत की माँ मैहर वाली माँ शारदा का बसीरा है उनके दरबार में जो जाता है कभी खाली वापस कोई बंदा नहीं आता चाहे जो हो राजा हो फकीर हो लूला हो लंगड़ा हो अंधा हो बाज हो कोई भी हो लेकिन कहना बा मार सब कैसे कहे ओ मैया कब से जगदम्बा से ये पूरा संसार रचा गया कहना बा क्वेश्चन चाहे हजार लाइन हो माइक बंदना को अभी बंद नहीं होता नहीं होता आखिरी भाव कहना भा
आदरणीय सम्मानी आज के बाद साधु लहे राजा के बड़े पिताजी की ओर से मोहनलाल यादव जी की ओर से 101 रुपए दे के सम्मान के आशीर्वाद की कामना ईश्वर में सब भैया लोग इनके प्रणाम बा। बड़े पिताजी की ओर से मोहनलाल यादव 51 रुपए देके सम्मान की आशीर्वाद की कामना ईश्वर में भैया लोगन के प्रणाम बा। बड़ी सुंदर बाहर से गीत सुने की मिली, थोड़ा लगातार कार्यक्रम चले की वजह से आवाज में थोड़ा गड़बड़ी बा, और के लिए माफी चाहिए थी, कहूं भी हम लोगन से टूटी हो जाए माफ करिया। बगल वाले ढेला उठा के मार दे, आई मार साहब बजा के आई। कुछ मांगन मांग ली, जैसे सब कवरिया लोग जाते हैं अपन अपन मांगन मांगत थे, जैसे हम इच्छा बा, लेकिन दुलाहिन अपने राजा जी से कहे का कहे। पिया रोड पे कवरियन के
के लोग गीत बा के बाद विराह का नंबर बाहर से बा बड़ी सुंदर बाहर से लोग गीत सुने की मिली माई सीता सब खराब बड़े हेलो भोजन बनाई पतला कह दे के पतला कभी जी जी बोल दे भोजन बनाने के बाद मांगन मांगी सही भोजन तब पर सब ऐसन बाभन हमको चाही कि ना केहू के द्वारे भिक्षा मांगे हो ना भोजन करे हुई विद्वान रावण आया भोजन किया और भोजन के साथ साथ दक्षिणा में कुछ मांग के गया अकेले कमरा में माई सीता से बतियाने हाँ कहन की हमारे लंका हो रही तो का एक बार आ कदम पड़े चाहिए फिर माई सीता लंकम गई रही बड़ी सुंदर गीत रहे अब हमार सब सही राधा जी के कुंवरा कन्हैया अरे राधा जी के कुंवरा कन्हैया राधा जी की कुंवरा कन्हैया बोला बसुरिया सिया घूमई ओ समय के बात हाँ सिया घूमई गईली फूलवरिया उस समय के बात है भैया जिस समय राजा जनक जी सीता स्वयंवर रचे गांव गांव गली गली शहर शहर हिडोरा पिटवा दीजिए पिटवा दिए कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ हमारी बेटी सीता की शादी हो जाएगी तो माई सीता अंटब बैठी है एकदम महल के ऊपर बैठी है ना सोचा था इन राजा जनक के पिताजी को बात सुन के कि जे के उतारी मने जे के उतारी धनुष के साथ हमार शादी हो जाए राजा जवान
चाय माई सीता बहुत दूर तलुक सोची लागी, चाय बुढ़वा तो रहे चाहे सयान जवान मतलब केहू भी चाय जे तोड़े बड़ी हड़बड़ाई गई सीता। माई सीता अपने सखियों के साथ फुलवारी में गई, फुलवारी में जब गई फूल तोड़ा थी सोचा थी माई गौरी से प्रार्थना करत थी कि हे माई हमार दिल का हाल तू जानत हो, तो सी दुनिया इस संसार में का होत बा कुछ छुपा नहीं बा, होत कब हमार सब दशरथ की पुत्र राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ तारका का वध करते हुए कुटिया में आए, वही राम अपने गुरु की पूजा करने के लिए वही फुलवारी में आए फूल तोड़ने के लिए, लेकिन वो फुलवारी में होता बा वही पे लड़ी गई नजरिया माधुरी सम्मानिता बड़े भैया सुभाष चंद्र यादव पनासा की धरती से 100 रुपए दे के सम्मान किए आप बड़े भैया की बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना ईश्वर में सब जनता जनादर की प्रणाम हुमाई पे लड़ गई नजरिया कुमरिया सखी संघवा लिया के, लेकिन ये भैया हो समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लक्ष्मण फुलवारी में जब आए गुरु की पूजा करने के लिए फूल तोड़ने तो भगवान राम को नजरिया और सीता को नजरिया मतलब नजर नजर मिल गई, नैना चार हुआ प्रेम लाभ हो गया। जब नैना चार हुआ तो बगलिया में लक्ष्मण जी खड़ा हुआ भैया ए भैया अब भगवान राम कहाँ सुनत है अब उन एकदम ऐसा लगा था एकदम जैसे पहुंच गया है एकदम हुआ हवाई अड्डा कहाँ है भगवान राम और माई सीता जब नैना चार हुआ तो माई सीता प्रेम करे वाले मन में सोचा था इतना कोमल कोमल शरीर इतनी नाजुक नाजुक कलाई इतनी बढ़िया काटती एकदम पियर बदन क्या बात है। माई सीता मन में सोचते थे काश हमार दुल्हा ये नहीं बन जाए उसका हाथ नहीं आई मन के बात एकदम एकदम मन में सब उमड़त बा कि हमार दुल्हा नहीं बन जाए। सखियन जतनी रही समझ गई कि अब मामला आगे बढ़ाई वाला बा। माई सीता गई माई गौरी के मंदिर में अपन मन के बात कहा थी क्या कहो मार साहब
सीता गौरी से कहा थी, माई गिरजा से कहते कि माई तोरे द्वारे आई है हम, हमारे मन का आस पूरा कर बतावा थे। बगिया में आयला समरिया कुंवरिया सखी संघवाली आई की माई सीता माई गिरिजा से कहा थे कि माई हम जो सोचा थे काश अगर पूरा हुई जाए तो समझ ला कि हमार मनोकामना सफल बा। उसके बाद माई सीता सखियों के साथ राजमहल को जाती है। राजमहल में आज एक से एक वीर नौजवान पुरंदर धनुष तोड़ने के लिए सब लोग अपने अपने सिंहासन पर बैठे हैं। एकदम वीरन से खाली नहीं बा, महल एकदम ऊंचा मुच्च बा। राजा जनक जी एक अपने मन में सोचे लगे, सब कोई आ गए हैं, अब तैयारी हो जाए, लेकिन कुछ बात भूलत नहीं। पत्र लिखते हैं, हमारी दुवरिया विश्वामित्र के लिए आखिरी लाइन में एक बात लिखी, बड़ी सुंदर लाइन लिखी, क्या लिखी? नेवता में आया तू पुजारिया, राजा जनक जी विश्वामित्र के लिए निमंत्रण भेजते हैं मंत्री द्वारा। मंत्री जब लेके जाता है तो कुटिया में विश्वामित्र बैठे हैं। मंत्री जी आवाज दिए, विश्वामित्र जब आए क्योंकि का बात हो, जब वो खोले पिटारा तो हम लिखा रहा कि धनुष अगर अच्छा बाटे हमारी दुवरिया नेवता में आया तू पुजारिया, आपका आगमन निश्चित है, आना निश्चित है और आपके लिए मैंने निमंत्रण भेजा है। विश्वामित्र तैयारी बनाने लगे, साथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लक्ष्मण को भी लिवा के जाते हैं। जब जनकपुर में पहुंचते हैं बैठने के लिए सिंहासन दिया गया और राजा जनक जी ऐलान करवा दिए कि धनुष को तोड़ा जाए। जब धनुष को तोड़ा जाए ऐलान कर दिए तो एक से एक दुरंधर अपन बाएं हाथ का खेल दिखावे लगे। लेकिन ये भैया जितना लोग बैठा रहे सब बारी बारी से धनुष का हाथ लगाए तोड़े के लिए,
और उस समय धनुष तोड़ने के लिए रावण भी गया था, लेकिन हिला भी नहीं पाया। मलमूत्र लेकिन भैया उस समय बारी बारी से धनुष का हाथ लगाए, लेकिन धनुष नहीं भाई। तो राजा जनक को बड़ा दुख हुआ, कई इतने बड़े बड़े वीर आए हैं, इतने बड़े बड़े वीर आए हैं, क्या ऐसा कोई वीर नहीं है कि धनुष को तोड़े और मेरी बेटी से शादी करे और विवाह करके ले जाए। माई सीता बैठी है बगली जयमाल लेके, और उनकी निगाह राम विवाह कि कब ये तोड़ी है, है? लेकिन ये भैया राजा जनक एकदम मायूस हो गए। तब लक्ष्मण उठ पड़े, कहे राजा जनक जी ऐसे कैसे आप क्यों बात बोल रहे हो, ऐसे एक से बढ़कर एक वीर हवन, आप आदेश दीजिए मैं धनुष को तोड़ के तुम्हारी बेटी सीता से शादी करके लेके जाऊंगा। अब राम को आदेन बड़का भाई पड़ाई है और छोटका अपने जुआड़ में हाँ इशारा कहे राम कहन बैठा संतोष करा, संतोष करा, सबर का फल मीठा होता। तब विश्वामित्र आदेश देते हैं राम को, राम जाओ धनुष को तोड़ो और विवाह संपन्न करो। प्रतिज्ञा पूरी हो। कुछ समय आदेश को पालन करते हुए राम धनुष को तोड़ने जाते, मर सब आखिरी भाव का ना कुंवरिया सखी संघवा लिया के राम धनुष तोड़ते हैं, सीता से जयमाल होता है। तब उसके बाद राजा दशरथ को खबर पहुंचती है, संदेशा पहुंचता है। तब चारों भैया के एक ही मड़ाई में ब्याह होता, भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण चारों जने के रानी सीता उर्मिला मंडपी सुरकृति। तब चारों जनी अपने ससुराल जाती, मुदखाई हुआ था, मुदखाई के बाद सारा कर्मठ होता, तब सारा बहु भोज होता। तब माई सीता बताओ बहन कि दोबारा दोहराओ नहीं, मतलब भोजन बनाए, भोजन बनाने के बाद विद्वान रावण आया। तब आगे की कहानी अब और याद की बात साथ दूल्हे राजा की चाची जी की ओर से अच्छा आदरिया सुरेमा देवी की ओर से 51 रुपए का पान पुरस्कार आशीर्वाद की कामना ईश्वर में सब भैया लोग इनके प्रणाम बा। सिया घूमई गईली फूल मरिया
वरिया सखी सयमन आई।